हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि AFMC में जॉब कैसे पाएं और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इससे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि AFMC का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आप जान पाएंगे। दोस्तों, AFMC इंडिया का एक टॉप मेडिकल कॉलेज है जिसका मैनेजमेंट इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, AFMC पुणे महाराष्ट्र में पुणे छावनी में स्थित है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और AFMC का फुल फॉर्म क्या है, AFMC में जॉब कैसे पाएं, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, इसके एग्ज़ाम की प्रोसेस क्या है, इसके बाद सैलरी कितनी मिलती है, इससे जुड़ी तमाम जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, AFMC का फुल फॉर्म आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज होता है, जिसे हिंदी में सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहा जाता है, जो भारत का एक टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट है जिसे एजुकेशन और रिसर्च के लिए क्वालिटी सेंटर के रूप में मान्यता प्राप्त है। दोस्तों, AFMC भारत का एक टॉप मेडिकल कॉलेज है जिसका मैनेजमेंट इंडियन आर्म फोर्सेज के द्वारा किया जाता है और ये पुणे महाराष्ट्र पुणे छावनी में स्थित है। दोस्तों, ये कॉलेज ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और साथ ही आर्म्ड सर्विसेज में आपके कैरियर की संभावनाओं को सुनिश्चित करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस इंस्टीट्यूट की स्थापना साल 1948 में 1 मई को BC रॉय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर अलग अलग डिफेंस मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस को मिलाकर इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, इसी तरह से इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के लिए AFMC के ग्रेजुएट विंग की स्थापना 4 अगस्त 1962 को की गई थी। दोस्तों, ये मेडिकल ऑफिसर्स के एक परमानेंट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज AFMC आर्म्ड फोर्सेस के लिए नर्सिंग कोर्सेज, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और मेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज प्रोवाइड करता है। दोस्तों, डेंटल पोस्ट ग्रेजुएट और पैरामेडिकल स्टाफ्स को भी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों, जो लोग AFMC में शामिल होना चाहते हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कॉलेज ग्रेजुएशन के तौर पर 2 कोर्सेज ऑफर करता है, MBBS और BSc नर्सिंग। इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर ये कॉलेज एनाटॉमी और मास्टर्स डिग्री में MSc के साथ MD कराता है। दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के अलावा ये कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के साथ साथ कई अन्य कोर्सेज भी प्रोवाइड कराता है। दोस्तों, इस कॉलेज में एडमिशन हर साल अप्रैल के महीने में शुरू होती है। दोस्तों, इस कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए कैंडिडेट का भारतीय नागरिक होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, AFMC में एडमिशन पाने के लिए कैंडिडेट्स को एंट्रेंस एग्ज़ाम और या फिर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर सभी प्रोग्राम्स में एडमिशन दिया जाता है। दोस्तों, कोर्स में एडमिशन पाने के लिए सेंट्रल सेकेंडरी एजुकेशन CBSE के द्वारा आयोजित नीट UG एग्ज़ाम आपको देना कंपलसरी है। दोस्तों, स्टूडेंट्स को नीट UG में उनके स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। दोस्तों, एडमिशन प्रोसेस के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए स्टूडेंट्स को कॉलेज में बुलाया जाता है। दोस्तों, इसके बाद एडमिशन प्रोसेस में टॉयलेट टेस्ट, टेस्ट ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का एक टेस्ट होता है, इसके बाद PAT साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और एक नॉलेज टेस्ट शामिल होता है। ये टेस्ट किए जाते हैं। दोस्तों, इन टेस्ट में क्वालिफाई करने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट किया जाता है और इंटरव्यू होता है। दोस्तों, फाइनल सेलेक्शन कैंडिडेट के नीट UG में स्कोर और स्क्रीनिंग प्रोसेस में उनके परफॉर्मेंस के आधार पर किया जाता है। दोस्तों, अगर आप AFMC में जॉब पाना चाहते हैं तो AFMC एक ऐसा कॉलेज है जहां पर पढ़ाई करने के बाद आपको जॉब मिल जाती है, क्योंकि ये पूरी तरीके से आर्म्ड फोर्सेज का मेडिकल कॉलेज है। इसकी स्थापना साल 1948 में 1 मई को देश के अलग अलग आर्म्ड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस के को मिलाकर BC रॉय कमेटी की सिफारिशों पर इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, बात करें आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज AFMC में जॉब पाने के लिए एलिजिबिलिटी की, तो दोस्तों, AFMC में जॉब पाने के लिए कैंडिडेट को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और इंग्लिश लैंग्वेज में कम से कम 65% मार्क्स के साथ 12वीं कक्षा पास किया हुआ होना चाहिए और कैंडिडेट अनमैरिड और भारत का नागरिक होना चाहिए। दोस्तों, कैंडिडेट 17 साल से 21 साल के बीच का होना चाहिए और हालांकि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले कैंडिडेट्स के लिए ये उम्र सीमा 30 साल से 35 साल तय की गई है।
दोस्तों, कैंडिडेट के पास अच्छे मार्क्स के साथ 5.5 साल की MBBS डिग्री होनी चाहिए और कैंडिडेट शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। दोस्तों, बात करें AFMS में सिलेक्शन प्रोसेस की, तो दोस्तों इसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन इंटरव्यू, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाता है। और इसकी भर्ती के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अप्लाई करने के बाद AFMS में भर्ती होने या नौकरी पाने के लिए पहले AFMS के द्वारा आयोजित रिटन एग्जाम आपको पास करनी होती है। दोस्तों, इसके बाद उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों, इसे पास करने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। दोस्तों, अगर आप इन तीनों एग्जाम्स को पास कर लेते हैं तो आपकी नौकरी पक्की हो जाती है। दोस्तों, इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपने AFMC से MBBS की डिग्री हासिल की है तो आपको ये एग्जाम्स नहीं देनी होंगी, आपकी सेना में डॉक्टर के पद पर सीधी भर्ती होगी। दोस्तों, AFMS में जॉब मिलने के बाद सैलरी की बात करें तो इस AFMS में जॉब मिलने के बाद सैलरी काफ़ी बेहतर होती है, क्योंकि इसमें डॉक्टर के पद के साथ साथ जिम्मेदारी का पद भी होता है। इसीलिए इन्हें सालाना 10 लाख रुपए तक की सैलरी मिलती है। और जैसे जैसे इनका इस क्षेत्र में एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इनकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को AFMS में जॉब पाने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को एक एक कर आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूं। पहला प्रश्न है, AFMC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि AFMC का फुल फॉर्म आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज होता है। दूसरा प्रश्न है, AFMC भारत का टॉप मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि AFMC भारत का एक टॉप मेडिकल कॉलेज है, जिसका मैनेजमेंट इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के द्वारा किया जाता है और ये पुणे, महाराष्ट्र, पुणे छावनी में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए AFMC के ग्रेजुएट विंग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारतीय सशस्त्र बलों के लिए AFMC के ग्रेजुएट विंग की स्थापना 4 अगस्त 1962 को की गई थी। चौथा प्रश्न है, AFMC संस्थान की स्थापना कब और किसकी सिफारिश पर हुई थी? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि AFMC इंस्टीट्यूट की स्थापना 1 मई 1948 को BC रॉय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर अलग अलग मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस को मिलाकर इसकी स्थापना की गई थी। पांचवा प्रश्न है, AFMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि AFMS का फुल फॉर्म आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज होता है। छठा प्रश्न है, AFMS को हिंदी में क्या कहते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि AFMS का फुल फॉर्म आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज होता है, जिसे हिंदी में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा कहते हैं। दोस्तों, सातवां प्रश्न है, AFMC को हिंदी में क्या कहते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि AFMC को हिंदी में सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहते हैं। और आठवां प्रश्न है, AFMS के लिए सिलेक्शन किसके आधार पर होता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि AFMS में कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इंटरव्यू, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि AFMS में जॉब कैसे पाएँ, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।